28 मई का दिन अंतरिक्ष में बंदरों की सैर से जुड़ा है। दरअसल 28 मई साल 1959 को नासा ने मिस बेकर और मिस एबल नाम के दो बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा था और दोनों सुरक्षित वापस लौटे थे। ये नासा की बड़ी सफलता थी। इस घटना के बाद मिस एबल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान इन बंदरों का स्वास्थ्य खराब हो गया था। पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर जीरो ग्रेविटी में यात्रा करके फिर से धरती पर आने वाले ये पहले बंदर थे। इस परीक्षण से नासा को अपनी रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। दूसरी बंदर मिस एबल इस प्रयोग के बाद स्वस्थ रहीं और अपनी 27 साल की औसत आयु पूरी कर साल 1984 तक जीवित थीं। इसके बाद गए बंदर सैम पर जीरो ग्रेविटी का प्रयोग नहीं हुआ और उसको जीवित रखने के लिए एक कैप्सूल बनाया गया। कुत्ते, बंदर और चिंपैंजियों पर प्रयोग करके मानव 1961 में पहली बार अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति सोवियत संघ के यूरी गागरिन थे। इतिहास के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नेपाल की। आज 28 मई के दिन नेपाल में 240 सालों से चली आ रही राजशाही सत्ता का अंत हुआ था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वहाँ की जनता ने करीब 10 साल तक इसके लिए लड़ाई लड़ी। 10 साल तक चले गृहयुद्ध के बाद देश में शाह राजवंश के हाथों से देश की सत्ता ले ली गई। इसके बाद से माओवादी देश की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गए। 28 मई 2008 को नेपाल के वामपंथी दल को चुनाव में जीत मिली। तब तत्कालीन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कर देश को गणतंत्र घोषित किया गया। इतिहास के तीसरे और आखिरी हिस्से में बात करेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था। वो भाषण अभी भी लोगों के जहन में है और काफी याद किया जाता है। तब वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को भविष्य के लिए राजनीति का धर्म और मर्म का पाठ पढ़ाते हुए कहा था, तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र मर रहा है। वाजपेयी ने कहा कि देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, ना सांप्रदायिक आधार पर, ना जाति आधार पर और ना ही राजनीति। ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए जिनमें संवाद ना हो, जिनमें चर्चा ना हो।